नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक हैं जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टामोजो पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोज़ मिल जाते हैं। हमारे वीडियोज़ भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की आज की क्लास में बात करने वाले हैं संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार की बेसिक चीज़ें और विशेषताएं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हैं उन पे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का या मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसके किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है, ये जो हमारा मौलिक अधिकार प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी देश के नागरिकों को उस देश के संविधान के तहत, किसके तहत? संविधान के तहत मिलने वाले अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छे समझना है तो मूल अधिकार पहले देखते हैं इसको क्या कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार ही क्यों कहते हैं? मूल अधिकार का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसे क्या है, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान द्वारा इसे सुरक्षा प्रदान की गई, गारंटी प्रदान की गई कि इसमें जो बातें लिखित हैं वो आपको दी ही जाएगी। ठीक है, और ये व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक चहुमुखी विकास, जिसको बोलते हैं भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं, इन अधिकारों को राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगर आपको यहाँ पे राज्य देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, संविधान में जहाँ जहाँ भी राज्य लिखा लिखा होता है उसका मतलब एक स्टेट नहीं होता, जबकि विभिन्न तरह की वो सरकारी संस्थाएँ, गवर्नमेंट संस्थाएँ होती हैं जिनके द्वारा कानून का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन अधिकारों को राज्य सरकार, मतलब तमाम सरकारें, ठीक है, एक तरह से बोल दो कि देश की समस्त सरकारें द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है कि नहीं? न्यायालय द्वारा प्रवर्तित मतलब अगर इसका कोई उल्लंघन करे, आपके जो संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय में जाकर आप विरोध कर सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, तो न्यायालय इसकी रक्षा करता है, इसलिए इसे वाद योग्य है भी बोलते हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 को अर्थात मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र की संज्ञा दी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान में मैग्ना कार्टा किस पोर्शन को कहते हैं, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र की संज्ञा दी जाती है। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें लंबी और विस्तृत सूची में न्याय संगत, ठीक है, जिस पे वही वाद योग्य है, ठीक है, वही हो गया है, न्याय संगत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकार के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों हो। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों का इतना विस्तृत उल्लेख किया गया है संविधान में। वैसे तो हम अमेरिका से प्रेरित हैं, लेकिन हमने अमेरिका से भी अच्छा खासा मौलिक अधिकार तैयार करके रखा हुआ है संविधान में, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब मूल अधिकार जो है आज के डेट में हमारे पास, उसका प्रारूप तैयार कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका प्रारूप जो है, प्रोटोटाइप तैयार किया था। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की सहायता ले सकते हैं, ये न्याय न्यायोचित है, मतलब आप न्यायालय जा सकते हैं अगर आपका इसका उल्लंघन होता है। ठीक है, ये व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी इसका उल्लंघन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय गारंटी देता है कि उसकी सुरक्षा का, कि हम आपकी इस अधिकार का रक्षा करेंगे, अगर आपको कुछ दिक्कत हुई तो आप हमारे पास आ सकते हो। ठीक है,
संविधान संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त इन्हें किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार में उल्लेखित जो भी बातें लिखी हुई है उसको आप संविधान संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई भी सामान्य कानूनी प्रक्रिया के तहत आप इसे बदल नहीं सकते। पहले ऐसा था कि इसमें संविधान संशोधन भी नहीं किया जा सकता था, ठीक है, अब किया जा सकता है। किसके तहत नहीं किया जा सकता था, किसके तहत किया जा सकता है, इसको भी हम अभी देखने वाले हैं। तो इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें किसी भी तरह से नहीं बदला जा सकता। कुछ मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को, जो भारत के नागरिक होते हैं, उनको प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें हैं अभी बस एक लाइन में देख लेते हैं, इसको तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। अभी अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या बातें जो है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, सामाजिक समानता, ठीक है। तो सामाजिक समानता मतलब सबको समाज की नज़र में समान भाव से देखा जाएगा, तो ये जो है सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है। और अनुच्छेद 16 में शासकीय सेवाओं में अवसरों की समानता, जो शासकीय सेवाएं होते हैं उसमें अवसरों की समानता जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, ठीक है, ये भी भारतीय नागरिकों के लिए है। और अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की बोली भाषा लिपि से संबंधित इनमें अनुच्छेद उपबंध है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, 15, 16, 19 और 29, 30, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, ठीक है। कुछ मूल अधिकार भारत भूमि पर, जो भारत में रहते हैं, चाहे वो देसी हो विदेशी नागरिक हो, सबको प्राप्त है। ये कौन कौन से हैं, 14, 20, 21 और 25, इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। 14, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है। 20 है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होता है उसको जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, वही जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, उनका जो भी धर्म है उनको मानने का अधिकार उनको है। तो ये जो है सभी के लिए है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं आपातकालीन स्थितियों में कौन कौन सी आपकी संविधान निलंबित हो जाती है और कौन कौन सी किसी भी स्थिति में नहीं निलंबित होती, कभी नहीं निलंबित हो सकती, ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जा सकता है। तो देखिए, आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। आपात इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकाल में अनुच्छेद 19 जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतः ये जो है निलंबित हो जाती है, जैसे आपातकालीन लगा ये स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 और 21 की, तो ये जो है किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं की जा सकती। और ये लाया गया था संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसको लागू किया गया था कि इसको किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्वतः निलंबित हो जाते हैं और कौन कौन से किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं जो नहीं हो सकता। तो 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है आपातकालीन लगते ही, और अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की मांग जो है भारत में, जो इतिहास रहा, किन्होंने किस समय मांगा, मौलिक अधिकार की मांग की बात कब किन्होंने किया, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले 1895 में एनी बेसेंट जो है आयरिश महिला थी, ठीक है, इन्होंने संपत्ति के मौलिक अधिकार की बात की थी सबसे पहले। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट, अब नेहरू रिपोर्ट में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था। इनके तहत भारत में संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया जाए, ये इन्होंने ऐसी बात रखी थी। उसके बाद 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी अध्यक्षता में भी मूल अधिकार को रखने की बात की गई। उसके बाद 31 में महात्मा गांधी ने जो द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में जो महात्मा गांधी ने भाग लिया था उसमें भी इन्होंने बात की थी कि हमारे संविधान में एक मूल अधिकार हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संशोधनीय है, जिस इस पे संशोधन किया जा सकता है या संशोधन नहीं किया जा सकता है, इस पे विवाद चल रहा था, ठीक है। तो देखिए,
एक आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया था कि मूल अधिकारों के संशोधन पे रोक लगा दी थी, मूल अधिकारों पे संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कह दिया गया था, ठीक है। और इसमें संसद को मूल अधिकारों की संशोधन की कोई शक्ति नहीं है, ऐसे कह दिया था। लेकिन इसके बाद केशवानंद भारतीवाद आया 1973 में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये आया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को, किसको, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, संसद को ये शक्ति दे दी गई, परंतु यह शक्ति असीमित नहीं है, मतलब आप जैसा था चाहो उस आधार पे, मूल अधिकार पे परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। संसद मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उनके आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो रहनी ही चाहिए, उस पर आप परिवर्तित नहीं कर सकते। इस वाद में ही न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को मूलभूत ढांचा माना गया। जिसको मूलभूत ढांचा मान लिया जाता है, ठीक है, उस पे आप अनियंत्रित नहीं कर सकते, असीमित उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें ऐसा परिवर्तन कर सकते हो जिससे उसकी जो है गरिमा बनी रहे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं, अब ये मौलिक अधिकार जो है संशोधनित हो गई, किससे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से, तो इसमें संशोधन भी हुआ। तो संशोधन कब हुआ, 44वां संशोधन 1978 में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई इस पे देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी, टोटल 7। जब संविधान बना तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसको भाग 12 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 300 क में स्थान दे दिया। किसको, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में स्थान दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, सिर्फ कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रह गया, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ हुआ तो आप कानूनी इसका हेल्प ले सकते हो, ये मौलिक अधिकार आपका नहीं रहा, ठीक है। जिसका विनिमय साधारण विधियों द्वारा बनाकर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है साधारण विधि से जो कानूनी अधिकार रहता है, जो कानून रहता है, उसको हम साधारण विधि से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार को हम परिवर्तन करने के लिए उसमें संविधान संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं रही अब, ठीक है। इस तरह मूल अधिकारों की संख्या 7 से घटकर वर्तमान में कितनी हो गई है, 6। तो ये जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। बात करते हैं मूल अधिकारों के प्रकार, तो आपको एक टेबल बना हुआ दिखेगा, इधर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे और अनुच्छेद कितने से कितना तक उसका उल्लेख है। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये है 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23 और 24 में, ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये है 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार जो था, मैंने जैसे कि बताया 44वां संशोधन 1978 में ये हटा दिया गया है और भाग 12 के 300 का में शिफ्ट कर दिया गया है, और ये जो सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है, ये अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में ये नहीं रहा है, ठीक है। अब हुआ 5 देख लिया। छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है, और ये डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो ये जो 6 अधिकार हैं मौलिक अधिकार, उसको आप याद रखिएगा, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति, ठीक है, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।